नमस्कार, मैं पंकज पांडे, आप देख रहे हैं न्यूज वन भारत। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जो आ रही राजधानी रांची से। यहां पर दरिंदों की हैवानियत सामने आई है। बिरसा चौक के पास दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है। झाड़ियों में बेसुध मिली है युवती, गुमला की रहने वाली बताई जा रही है पीड़िता। युवती को लाया गया है रिम्स। युवती के साथ दरिंदों ने की मारपीट भी। युवती के शरीर पर जगह जगह चोट के भी निशान है। जगरातपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। यहां पर बिरसा चौक पर झाड़ियों में से इस युवती को बरामद किया गया है और बहुत बुरी हालत में इस युवती को रिम्स ले जाया गया है। और इसके साथ खबर आ रही है कि दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है, गुमला की रहने वाली बताई जा रही है। और उसके शरीर पर कई जगह पर जख्मों के निशान है और सीधा पुलिस से उसे रिम्स भेजा गया है। पुलिस ने रिम्स पहुंचाया है और मेडिकल का हो रहा है और उसके बाद ही मामला सामने आएगा। लेकिन खबर यह है कि दुष्कर्म भी इसके साथ हो सकता है कि दुष्कर्म हुआ हो और दरिंदों ने इसके साथ ही मारपीट भी उसके साथ की हो और जगह जगह शरीर पर जिस तरह से उसके जख्म दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि उसके साथ कुछ गलत भी हुआ है। लेकिन फिलहाल इसकी पुष्टि हम अभी नहीं करते हैं। और इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए सत्यव्रत किरण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधा। और सत्यव्रत से जानेंगे क्या है पूरा मामला, किस तरीके से ये खबर सामने आई और फिलहाल स्थिति कैसी है पीड़िता की, क्या उसकी जांच हो रही है और क्या इलाज उसका शुरू कर दिया गया है। देखिए पंकज और मांझी की घटना जो है वो अभी शांत ही नहीं हुई है कि राजधानी में एक बार फिर दरिंदों ने जो है वो अपनी दरिंदगी दिखाई है और बिरसा चौक के पास करीब 25 वर्षीय एक युवती जो है जिसके साथ दुष्कर्म करने का मामला जो है वो सामने आया है। फिलहाल जो युवती है उसे जगन्नाथपुर थाना के मदद से रिम्स ले आया गया है और रिम्स के इमरजेंसी विभाग के माइनर ओटी में उसका इलाज किया जा रहा है। युवती के सर पर कई जख्म के निशान है, यानी कि दरिंदों ने हैवानियत की शायद कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शायद दरिंदों का मकसद था कि युवती की हत्या कर दी जाए, यही कारण है कि काफी गंभीर चोटें जो है वो लगी है युवती को। फिलहाल रिम्स के इमरजेंसी विभाग में जो चिकित्सक हैं वो इसका इलाज कर रहे हैं। जो जगन्नाथपुर थाना के पुलिस हैं, जैसे इस बात की सूचना मिली उन्हें तुरंत युवती को लेकर रिम्स आए हैं। पहले निजी अस्पताल बिरसा चौक के पास नारायणी अस्पताल में उसे रखा गया था, लेकिन चूंकि गंभीर चोटें लगी थी वैसे में उसे रिम्स रेफर कर दिया गया। हमारे साथ जगन्नाथपुर थाना प्रभारी है, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं पंकज की क्या कुछ मामला रहा। सर जैसे ही आप लोग को पता चला तुरंत युवती को लेकर फिलहाल रिम्स आ गए, क्या स्थिति है, कौन है वो लोग? किनके विषय में पूछ रहे हैं? कौन, क्या घटना घटा है जो आप युवती को लेके आ रहे हैं, इसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया है, काफी चोटें लगी हैं। जगन्नाथपुर थाना बैठ देने का नहीं है ना, हमसे मत लीजिए आप, बताइए ना सूचना जानकारी बताइए सर। राजधानी में लगातार इस तरह का घटना होते जा रहा है, आप बोल रहे हैं बाइट नहीं देंगे, हम लोग देने के लिए नहीं सक्षम, हमसे मत लीजिए। सूचना दे दीजिए कि आप लोगों को क्या जानकारी मिली, फिर लेकर आए हैं। फिलहाल सूचना हमने दे दिया है, सूचना दे दिया हमारे बड़े पदाधिकारी से ले लीजिए, वो देंगे आप। कौन है युवती, कहाँ रहती है, क्या नाम है, इस तो कुछ बताइए। ये आप हमको बाइट नहीं देना है, आप हमारे बड़े पदाधिकारी से बात कीजिए। बिल्कुल बाइट नहीं देना है, बड़े पदाधिकारी इस बात की सूचना देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं पंकज की फिलहाल युवती का जो इलाज है वो रिम्स के इमरजेंसी विभाग के माइनर ओटी में किया जा रहा है। सर में काफी गंभीर चोटें लगी है, फिलहाल युवती का सीटी स्कैन किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से राजधानी रांची में लगातार महिलाओं संबंधित जो अपराध है वो बढ़ता जा रहा है और मांझी की घटना भी शांत ही नहीं हुई है, वैसे रांची के बिरसा चौक पर जो है वो दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है। पंकज सत्यव्रत, जिस युवती की बात की जा रही है जिसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म भी हो सकता है, लेकिन जांच के बाद वो मामला सामने आएगा, क्या वो बेसुध है या कुछ कह पाने की स्थिति में थी वो लड़की? नहीं देखिए फिलहाल वो बेसुध है, जैसे ही इस बात की सूचना आसपास के लोगों को मिली है, आसपास के लोगों ने जगन्नाथपुर थाना को इस बात की सूचना दी और उसके बाद फिलहाल उस युवती को रिम्स ले आया गया है। युवती के साथ उसका अपना कोई परिजन नहीं है, लेकिन फिलहाल जो सूचना मिली है कि बिरसा चौक के पास ही वो चाय की दुकान लगाया करती थी और वैसे में आज वो स्नान करने गई थी, नहाने गई थी और उस दौरान दरिंदों की नजर पड़ी उस पर, उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। फिलहाल इस बात का जो पुख्ता जानकारी है वो मेडिकल जांच होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से युवती को पीटा गया है उसके सर पर काफी चोट की निशान है, सर में जो है वो चोट लगे हैं, गले में चोट लगे हैं। फिलहाल जो रिम्स के चिकित्सक हैं वो इसका इलाज कर रहे हैं, कौन था वो
व्यक्ति कहाँ क्या क्या मंशा थी उसकी, किस तरह का इसने उस घटना क्यों की, फिलहाल इन सभी चीजों की जानकारी जो है वो स्थानीय थाना के लोग जो है वो जानकारी ले रहे हैं। जी पंकज, सत्यवत जिस तरीके से बताया आपने कि ये लड़की गुमला की है लेकिन बिरसा चौक के पास में वो चाय की दुकान लगाती है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर उसके परिजन भी साथ रहते होंगे, तो क्या उनके तरफ से, लड़की की तरफ से क्या कोई भी नहीं आया अभी तक, या कोई जानकारी नहीं मिल पाई उनको अभी तक इस पूरे मामले की? देखिए फिलहाल अभी परिजन के रूप में युवती के साथ कोई नहीं है, आसपास के जो दुकानदार हैं वो इस वक्त रिम्स में मौजूद हैं, स्थानीय जगन्नाथपुर थाना की टीम जो है वो मौजूद है, रांची में जो रिम्स में जो पैरालीगल वॉलंटियर के लोग हैं वो मौजूद हैं, फिलहाल उस युवती का इलाज किया जा रहा है, सर में काफी चोट लगी है, स्थिति थोड़ी गंभीर बनी हुई है, डॉक्टरों ने पहले उसका सीटी स्कैन किया है, उस बात को जानने की कोशिश की जा रही है कि जो युवती के सर पर वार गया है, जो चोट लगी है वो जख्म कितना है, फिलहाल युवती जो है वो बेसुध है, किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दे रही है, लेकिन जगन्नाथपुर थाना को एक व्यक्ति जो है वो मिला है, हो सकता है कि दुष्कर्म का प्रयास उसी युवक ने किया हो, फिलहाल जब तक युवती को होश नहीं आता है, उस युवक को वो नहीं पहचानती है, तब तक ये बताना शायद मुश्किल होगा कि कौन था वो व्यक्ति जिसने इस तरह की घिनौना अपराध करने की कोशिश की है, युवती के साथ दुष्कर्म किया है और उसके बाद उसे जान से मारने की कोशिश की है। जी पंकज जोली सत्रवत, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस खबर पर पूरी जानकारी दी, लेकिन आप नजर बना रहे हैं और बताएं कि किस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है और जो आरोपी हैं क्या उसके बारे में की जानकारी मिल पा रही है, क्या जानने वालों ने इस घटना को अंजाम दिया है और क्या महिला उस युवती के परिजन यहां पर पहुंच गए हैं, ये तमाम जानकारी आप ले अपडेट बनाए रखें, आप अपडेट हमें दें, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के सामने बड़ी चुनौती आ गई सामने, क्योंकि लगातार जिस तरीके से राजधानी रांची और उसके आसपास के साथ साथ तमाम जगहों पर महिला हिंसा से जुड़े मामले बढ़े हैं और ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इसका मतलब नहा रही थी तो उसको मुंह दाब के बाल को धर के घिसिया के ले गया, फिर मारा, फिर क्या हुआ पता नहीं उसका साथ। कहां, कहां हुआ? बिरसा चौक में फैमिली चाय बेचती है। लड़का नहीं पता, उधर का एगो लड़का था बिरसे चौक का। हाँ, पूरा इधर इधर हाथ में फिर मुंडी में पूरा लगा है। कैसे पुलिस पता चला? बाहर निकले अपने रोड तरफ तो फिर उधर का बगल वाला हॉस्पिटल है नारायणी हॉस्पिटल में भर्ती किया, तो उसे में बुलाया पुलिस लोगों को, आया फिर पुलिस सब। कितना उम्र है? 25। हाँ, बच्चा भी है। हाँ, एगो बेटी एगो बेटा है। तो चश्मदीद की तरफ से ये बयान आया है कि चाय बेचने का ये काम करती थी महिला और यहीं पर किसी ने इस घटना को अंजाम दिया है। बढ़ते खबर